पुणे के एमसीए मैदान पर मुंबई इंडियंस सीजन में पहली जीत हासिल करने के लिए पंजाब किंग्स के खिलाफ उतरेगी। मुंबई इंडियंस अभी पॉइंट्स टेबल में चारों मैच गंवाकर 9वें स्थान पर बनी हुई है, जबकि पंजाब 4 में से 2 मुकाबले जीतकर दूसरे स्थान पर है। मुंबई को अपने कप्तान रोहित शर्मा पर भरोसा करना होगा। रोहित की टीम पंजाब की संभावित प्लेइंग 11 में खेलने वाले गेंदबाजों के खिलाफ प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। खास तौर पर ओडीएन स्मिथ के खिलाफ तो रोहित 5 गेंद में 21 रन बरसा चुके हैं। दोनों टीमों के अब तक 27 मैच खेले हैं, जिसमें मुंबई ने 14 तो पंजाब ने 13 मुकाबले जीते हैं। पिछले 5 सीजन की बात की जाए तो 9 मैच में 5 मुंबई ने जीते हैं। पंजाब ने 2020 में मुंबई के खिलाफ 2 सुपर ओवर तक चला मुकाबला जीता था। मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार है। रोहित शर्मा कप्तान, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, देवाल्ड ब्रेविस, किरण पोलार्ड, फेवियन एलन, रमनदीप सिंह, मरुगन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, टाइमन मिल्स, जयदेव उनादकट और वासिल थप्पी। मुंबई की बल्लेबाजी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। 15.25 करोड़ में बिकी ईशान के बल्ले से लगातार रन निकल रहे हैं। उनके अलावा सूर्यकुमार यादव भी लगातार 2 मैचों में अर्धशतक लगाकर सबकी नज़रों में हैं। पोलार्ड ने पिछले मैच में बड़े शॉट लगाकर फॉर्म वापसी का सबूत दे दिया है। IPL में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।